आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रीय हिंदी न्यूज और मैं हूं आपके साथ साविका श्रीवास्तव। रुक करते हैं खबर की ओर। मोतिहारी में पेड़ से टकराने पर कार के परकच्चे उड़े, एक व्यक्ति की मौके पर हुई मौत, दो लोग गंभीर घायल। मोतिहारी में एक अनियंत्रित कार पेड़ से जबरदस्त तरीके से टकरा गई। इस घटना में एक युवक की मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जबकि कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। मोतिहारी के रक्सौल आदापुर नहर रोड पर धवधवा गाँव के पास एक अनियंत्रित कार पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में कार के परकच्चे उड़ गए, जबकि एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई और दो लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक की पहचान ऋषभगिरी के रूप में हुई है। वहीं घायलों की पहचान नवल पासवान और प्रकाश पासवान के रूप में हुई है। इनकी हालत नाजुक है और अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार यह घटना आदापुर थाना क्षेत्र के श्यामपुर चौक से पूर्व धबधब्बा गांव के पास हुई है। यहां एक कार की पेड़ से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि उक्त पेड़ की छाल तक उखड़ गई और कार के अगले हिस्से के परकच्चे उड़ गए। घटना की सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए मोतिहारी भेज दिया है। घटना को लेकर बताया जा रहा है कि उक्त कार में सवार तीनों लोग दोस्त थे। घर से निकलकर 500 गज की दूरी भी पार नहीं कर पाए, तब तक यह हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि तीनों एंजॉय के मूड में थे। इस दौरान उनकी कार अनियंत्रित हो गई और सीधी जाकर सड़क के किनारे पेड़ से टकरा गई। जोरदार टक्कर की आवाज सुन वहां बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों की भीड़ इकट्ठी हो गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि कार के पेड़ से टकराने के बाद इतनी तेज आवाज हुई जैसे कोई बम की आवाज हो।